हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी टाइम ख़राब हो गया इसको स्टार्ट करते करते। तो क्वेश्चन देते हैं, मेरे ख्याल से आपने कर लिए होंगे ना। आपने पूछे नहीं है तो इसका मतलब आपने कर लिए होंगे ज़रूर, है ना। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। द गैस इक्वेशन सर, गैस इक्वेशन क्या है पढ़ते हैं ना। द गैस इक्वेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों का रिलेशनशिप। ओके, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप, तीनों का एक साथ नहीं पढ़ा। दो दो का आपस में पढ़ा था, तीनों का एक साथ नहीं पढ़ा। सब हो गया। अब तीनों की गैस का इक्वेशन बनेगा, गैस का इक्वेशन बनेगा। अब तीनों की रिलेशनशिप साथ में पढ़ो तब बनेगा। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है। इफ बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर फिक्स्ड प्रेशर वेरिएड, अगर किसी के प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है, वेरिएड मतलब डिफरेंट डिफरेंट है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ल्ड्स गिव अस अ चार्ज फ्लोस गिव अस अ फिक्स्ड रिलेशनशिप, फिक्स्ड रिलेशन अमंग इट्स वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो दोनों के वैसे डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन हम दोनों के लॉ लगा दें रेस्पेक्टिवली तो हमें फिक्स रिलेशनशिप पता चल जाएगी। और फिक्स रिलेशनशिप क्या पता चलेगी? वो ये हमें पता चलेगी, हमें ये पता चलेगी कि वॉल्यूम प्रेशर का अपोजिट होता है, इन्वर्स होता है। कि वॉल्यूम और प्रेशर में जो रिलेशनशिप होती है वो इन्वर्स होती है। वॉल्यूम का नहीं, ये नहीं पता चलेगा, बता रहा हूँ। ये तो बॉयल्स लॉ कह रहा है। बॉयल्स लॉ कहता था कि वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, चार्ल्स लॉ कहता था, चार्ल्स लॉ कहता था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का भी इनवर्स रिलेशनशिप है। नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप था वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। अब अगर इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को क्या कर दो? कंबाइन कर दो। नाउ ऑन कंबाइन वॉल्यूम अपन गॉस, वॉल्यूम अपन गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विद प्रेशर डायरेक्टली विद एफर्ट। तो कह रहा है जब दोनों कंबाइन कर दोगे तो कुछ ऐसा रिलेशनशिप बन जाएगा जिसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं। टी का अगर इसमें मल्टीप्लाई करता है वन में तो टी अपन पी भी आ जाएगा। के मतलब यहाँ पे के एक कॉन्स्टेंट ले लिया गया है। ठीक है, ये कितना चेंज हो तब जाके हमारा टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, यानी टेम्परेचर प्रेशर में कितना चेंज हो तब हमारा वॉल्यूम कितना आएगा। तो ये वो है, इसी को और सॉल्व कर दोगे फर्दर जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या क्या इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो पी वी हो गया, अपन मटी हो गया, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अकॉर्डिंगली अगर वॉल्यूम गिवन मास ऑफ अ गैस चेंजेस यानी कि टू वी टू, यानी कि अब पुरानी कंडीशन से नई कंडीशन में आते हैं, तो वो पी वन वाला जो पी वन पी टू बी टू वाला फॉर्मूला होता है, तो वैसे सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। पी वन भी इधर, फिर पी टू बी टू इधर, फिर पी टू बी टू इधर, टी टू इधर। और इस तरह से आप निकाल सकते हो चीज़ मैथमेटिकल। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड गैस इक्वेशन वगैरह, इसको हम बोलते हैं गैस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग चेंजेस इन गैस वॉल्यूम व्हेन बोथ इट्स वो कह रहा है चेंज। वो कह रहा है ये वाला इक्वेशन तभी अप्लाई होता है वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जब प्रेशर दिए हों, दोनों ही दिए हों, जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही दिए हों, है ना, और दोनों ही चेंज हो रहे हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? तो वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ गैस चेंजेस रिमार्केबली विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो कह रहा है क्योंकि वॉल्यूम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चेंज होता है जब टेम्परेचर प्रेशर के अंदर चेंज आता है ना, तो इट बिकम्स नेसेसरी टू चूज स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर। तो ये बहुत नेसेसरी रहता है कि चूज करो चूज करो टेम्परेचर की प्रेशर की, तो फिर गैस ऑफ वॉल्यूम कैन भी रेफर, जिससे हम अपने वॉल्यूम को रेफर कर सकें। स्टैंडर्ड वैल्यूज चूज टू 273 केल्विन दोनों टेम्परेचर के केस में। नहीं, अगर डिग्री में टेम्परेचर मेजर करना है तो स्टैंडर्ड यूनिट समझ लो कि 0 डिग्री, और आपको केल्विन में यूज़ करना था 273 केल्विन। ठीक है, और सब प्रेशर के केस में तो 1 एटमोस्फेरिक यूनिट यानी 1 atm, 1 atm, या फिर mm में यूज mm Hg फॉर mm Hg फॉर प्रेशर है। ठीक है, दिस स्टैंडर्ड वैल्यूज आज मैंने स्टैंडर्ड है ना, एस है ना, STP, याद होनी चाहिए ये दोनों।
रिमेंबर स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस और आप कह सकते हो 273 केल्विन, या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर कह सकते हो 760 mm, या फिर 76 cm, कन्वर्ट कर दिया mm को cm में, या फिर 180 mm, या फिर 180 mm, ठीक है। एनी चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर चेंज द वॉल्यूम ऑफ गैस, चेंज द वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर प्रेशर और टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो उससे वॉल्यूम भी चेंज होगा, है ना। दस वेल एक्सप्रेसिंग द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ गैस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई बोथ इट्स प्रेशर इट्स टेम्परेचर, तो वो कहते हैं जब आप वॉल्यूम बता रहे हो तब उसका टेम्परेचर और प्रेशर ही बताओ कि अगर ये वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम किस टेम्परेचर पर है और किस प्रेशर पर ये वॉल्यूम आ रहा है, तो दोनों चीज़ भी आपको बतानी चाहिए। नोट, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन दी वॉल्यूम ऑफ एन एफ एन एनक्लोज गैस, कह रहे हैं इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन दी वॉल्यूम ऑफ एन एनक्लोज गैस, कोई गैस बंद है उसके ऊपर अगर प्रेशर बढ़ाते हो द वॉल्यूम डिक्रीज, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वेयर एज बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा।